चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सब लोगों को आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। जी आप लोगों को आवाज आ रही है और आप स्क्रीन देख सकते हैं। जी सर ठीक है। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट नंबर 5। कोई सवाल थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था रमजान के अंदर, उसमें कोई सवाल कोई चीज पूछना चाहे या अभी छुट्टी मोड में, अभी जरा पहली क्लास है तो अभी वार्म अप हो रहे हैं। चलिए देयर आर टू अनाउंसमेंट। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने असाइनमेंट भेजे थे और उसको मैंने देख लिया है। उसमें ये है कि ज्यादातर लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं, लेक्चर्स को पढ़ा नहीं है और दो दो पेज बना के भेज दिए हैं, तो विच इज नॉट ए गुड साइन। मेरे ख्याल से पढ़ लीजिए कि किस तरह से है, सिवाय एक ग्रुप ने जो जिन्होंने SRS के टेम्पलेट को यूज किया है, बाकी लोगों ने SRS के टेम्पलेट को यूज नहीं किया है। तो मैंने दोबारा से भेजा उसको कि आप जरा देख लीजिए और रिक्वायरमेंट कैसे लिखी जाती है, SRS का कैसे टेम्पलेट। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जरा लेक्चर्स को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए बिफोर यू SDLC क्या चीज होती है, ठीक है, ताकि आपको एजाइल और उसका पता चल जाए और ये सारी चीजें। तो एक ग्रुप है जो आई डोंट नो काशिफ, जवाद और विशाल, इनका थोड़ा सा बेहतर है, बाकी लोगों का जो असाइनमेंट है उसमें वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है उसका, ऐसा इसका वो मिसिंग है, ठीक है। तो वो उस तरह से ना कीजिए, मैंने कुछ आपको फीडबैक दिया है तो उसको दोबारा से करके बाय फ्राइडे या सैटरडे, मुझे फ्राइडे को भेज दीजिए। इसलिए कि एक्सरसाइज है, यानी यूँ समझ लीजिए कि सीखेंगे तभी हम जब हम पढ़ने के बाद उसको करेंगे। तो तीन लोगों ने अगर दो पेज बना दिए हैं तो आई डोंट नो किसने कितनी लाइनें लिखी हैं, ठीक है, तो ऐसा ना करिए। और डिजाइनिंग कुछ लोगों ने भेजी है, उसको बहुत ही कलरफुल सा बनाया है, लेकिन प्रोफेशनल डिजाइन जो होती है ना वो ब्लैक एंड वाइट होती है, उसमें यू डोंट यूज कलर्स और उसमें आप कन्वेंशन यूज करते हैं, जहाँ पर जो चीज बनानी है जो किताब में पढ़ाई गई है कन्वेंशन उसी को यूज करते हैं, आप अपनी तरफ से कोई चीज को इन्वेंट नहीं करते हैं, फिर वो कन्वेंशन गलत हो जाता है, फिर आपके नंबर कट जाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा चैलेंज होगा। तो फीडबैक इसलिए दिया गया है, असाइनमेंट में नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि एक तो ये कि आपने भेज दिया उस पर मार्क्स दे दिए जाए आपको वट एवर यू हैव प्रोड्यूस, तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसको फीडबैक दे दिया। आपको एक और चांस दिया है कि आगे आप उसको थोड़ी सी मेहनत करें, पहले लेक्चर्स पढ़ लें और उसको तैयार करें और उसको बेहतर करके SRS के फॉर्मेट में कर दीजिए, ठीक है, पहले तो ये चीज। दूसरा ये था कि क्विज नंबर 4 में आई डोंट नो व्हाट इज द चैलेंज, ज्यादातर लोगों के बल्कि ऑलमोस्ट सबके 0 मार्क्स हैं, मुझे पता नहीं है उसका वजह क्या है, सवाल समझ में नहीं आया या उसका कोई मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है, तो आई एम कैंसलिंग द क्विज नंबर 4 और मैंने अपलोड कर दिया है, वो फ्राइडे को अवेलेबल हो जाएगा आपको, कोई सवाल आते हैं उसमें आसान से, क्योंकि वो एक ही पैटर्न के सवाल आते हैं, इसलिए मैंने उसको पैटर्न चेंज किया था लेकिन वो फॉर सम रीजन वो डिडंट क्लिक आउट, ठीक है। तो ये दो अनाउंसमेंट है, तो देख लीजिएगा जनाब, सवाल है आपका अहमद। जी सर, सवाल ये कि सर हमें फीडबैक नहीं मिला जो हमने असाइनमेंट सबमिट किया था। तो भाई मैंने मेल भेज दिया आप लोगों को आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे, ये तो मैंने 2-3 दिन पहले भेजी है, दे चेक कर लीजिए अपनी ईमेल, बाकी लोगों को मिल गया, एनीबॉडी हु हैज रिसीव्ड द ईमेल, किसी ने, किसी को भी नहीं मिला है, मेरी तरफ से मिले हैं मेल। सर मेल आपकी नहीं आया हमारे पास। जी आपकी मेल नहीं आई हमारे पास, किसी के पास भी नहीं आई सर, मेरे कुछ लोगों के पास आई है, मेल DSU पे चेक करो, सब आ गया है फीडबैक दिया सर ने। जी जी ऑफिशियल मेरे पास तो आप लोगों के ईमेल एड्रेस नहीं है ना, तो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे मैंने अपने याहू से भेजा है। अच्छा एक बात आप नोट कर लीजिए, मैं ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे रिसीव तो जाती है, मैं भेज नहीं सकता हूँ क्योंकि वो DSU के IP से ही भेज सकता हूँ, तो इसलिए आई एम यूजिंग द याहू ईमेल एड्रेस, ठीक है, जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है आप लोग मुझसे याहू पे बात कर सकते हैं, असद_रहमान याहू पे,
आप प्लीज चेक कर लीजिए और उसको जरा देख लीजिए। आपको ईमेल भेजी गई है, आपके पूरे ग्रुप को मैंने भेजी है, जो सारा कुछ है तो उसको देख लीजिए। सर ये असाइनमेंट 5 से ये पूछना था कि हमें खाली डिजाइन बना के दे सकते हैं या हमें पूरी वेबसाइट कोड करनी होगी? वेबसाइट नहीं बनानी है ना डिजाइन बनानी है, आपने रिक्वायरमेंट लेनी है अल्लाह के बंदे। SRS नहीं, सॉरी, असाइनमेंट नंबर 5 में तो आपने बनाना कुछ नहीं है, बस इन सवालों के जवाब देने हैं। इस जवाब देने के लिए आपने होगा क्या कि आपने, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं देंगे आप जब तक कि आपने SDLC नहीं पढ़ा होगा। आप अगर तुक्के मारेंगे तो फिर वो गलत हो जाएंगे। तो मैंने सवाल पूछा था आप लोगों से, सॉरी एक मिनट, ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा था और मैं ये जवाब लिखता गया था। कुछ लोगों ने कहा कि ये करेंगे ये करेंगे, ये क्या है, ये एक्चुअली वॉटरफॉल है। तो वॉटरफॉल पढ़ लीजिए और इसको, ये तो मैंने पार्शल आपके लिए करके दे दिया है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप ये करके दे दिया है पहला सवाल, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आप लोगों ने जवाब दिया था तो मैंने उसको अभी लिखता गया कि जनाब ये मार्केटिंग का आदमी है, ठीक है, और ये सवाल पूछे गए थे ना, इसके जवाब देने। आपने वेबसाइट बना के नहीं भेजनी है भाई, ये सवाल के जवाब देने आपने, ठीक है। तो देयर इज नो कंफ्यूजन, ये सवाल के जवाब पढ़ लेंगे, लेक्चर्स को रिवाइज कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैं भेज रहा हूँ आपको एस्टिमेशन ऑफ द टाइम, ये मैंने आपको भेजा भी था, ये एक वीडियो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ये थोड़ी सी देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा जी। और कोई सवाल जी? हातिम आप सवाल पूछ रहे हैं। सर आप कह रहे थे कि आपने भेज दिया लेकिन आई नहीं है हमारे पास मेल, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे नहीं आई आपकी CS? नहीं आई। आई डोंट नो, ये तो मैंने हमारे ग्रुप के पास नहीं है और असद के ग्रुप के पास नहीं है आपकी मेल। तो भाई मुझे एक मेल भेज दीजिए, मेरे पास आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ही है जो आपकी LMS से मिलता है, उस पर तो मैंने भेज दिया, दोबारा से भेज दूंगा। लेकिन अगर आप अपना ईमेल एड्रेस भेज दें मुझे तो दोबारा से भेज दूंगा। जिन जिनको नहीं मिली है मुझे एक मेल भेज दें कि सर हमें नहीं मिली है। मेरा ईमेल एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, नोट कर लीजिए, ठीक है। असदुर्रहमान मेरा नाम है, तो असद और के दरमियान में अंडरस्कोर है और उर्रहमान मिला हुआ है yahoo.com, इस पे भेज दीजिए मुझे एक मेल कि सर हमें मिली नहीं है। तो मैं तो दो दिन से सोच रहा हूँ कि वो पहुंच गई होगी आप तक, ठीक है। asad_urrahman@yahoo.com, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस पर मुझे मेल भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए, तो मैं लेक्चर के बाद आपको भेज दूंगा दोबारा से, जिन जिनको नहीं मिली है, ठीक है। ठीक है भाई। सर वो सबमिशन नहीं आ रही है असाइनमेंट 3, 4 की और 5 की है, और लास्ट मंडे का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड नहीं। लास्ट मंडे का लेक्चर मैं देख लेता हूँ। जी सर, जिसमें आपने असाइनमेंट 5 को थोड़ा सा डिफाइन किया था ना, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, या तो वो वीडियो बनाना भूल जाऊंगा। सबमिशन कब तक की होगी? लिखी हुई ना 29 तक है, यानी कल तक है शायद। सबमिशन डाल दीजिएगा सर। हाँ, कोई चैलेंज है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए असाइनमेंट है क्या, असाइनमेंट फिर से मैं बता देता हूँ कि 5 और 6 क्या हैं। 5 और 6 जो हैं एक्चुअली, देखिए लिखा हुआ है ना पार्शियल सॉल्यूशन। पार्शियल सॉल्यूशन का मतलब है कि पूरा नहीं किया है सर ने, आपके साथ बैठ बैठ के कर लिया है। अब ये जो SDLC वाटरफॉल नहीं लिखेगा वो एजाइल लिखेगा, या तो मैंने वाटरफॉल लिखी है ना, अब हर आदमी तो वाटरफॉल नहीं लिखेगा, हो सकता है एजाइल लिखे, तो एजाइल के स्टेप्स लिखने होंगे। मगर एजाइल पढ़ी कहाँ है, वो तो आपने एक महीने पहले पढ़ी थी, तो उसको पढ़ लें, रिवाइज कर लें और इसी हिसाब से आपने लिखना है। सवाल नंबर क्या है, वही वाले सवाल आते हैं। एक प्रोजेक्ट था, छोटी सी वेबसाइट थी, उसको कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सवाल आते हैं ना, बना के थोड़ी देना है। पहले वाले में भी सॉफ्टवेयर वो बना के थोड़ी देनी है वेबसाइट, वो तो पहला वाला 1, 2, 3, 4 असाइनमेंट थे, वो तो पूरी SDLC थी तब लिखा हुआ था। लेकिन 5 और 6 में तो आपको सिर्फ सवाल के जवाब देने, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, उसके बाद आप जवाब देंगे। ये मैं
अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर में। फिर सवाल नंबर टू है कि कौन कौन लोग होंगे, ये वो स्पेशलाइज रोल टीम मेंबर्स थे ना, हमने पढ़े थे कि जी बीए होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और ये होता है, उसको दोबारा से पढ़ लेंगे और नहीं समझ में आया तो सर से पूछ लेंगे। तो जो थ्योरी पढ़ी है उसको इस्तेमाल करना है, अब सवाल के जवाब देने ये लिखा था। क्वेश्चन नंबर फोर और थ्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर और फाइव जो है एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सवाल आते हैं, एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन बहरहाल आपको बताया था कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं। एक वीडियो है, वीडियो तो बहुत सारी है लेकिन बहरहाल एक वीडियो से थोड़ा सा अंदाजा होगा आपको। तो सर जी सर वो आपने जिस फाइल के हेल्प से बताया था ना कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं, वो फाइल LMS पे अपलोडेड नहीं है। किस फाइल से बताया था? अच्छा वो सर आपने एक फाइल दिखाई थी, एक्सेल की शीट। हां एक्सेल की शीट, वो LMS में लोडेड नहीं है, कैसे बात कर रहे हैं? अपलोडेड नहीं है सर वो। ठीक है तो मैंने LMS को एक्सेल शीट लोड करनी है मेरे ख्याल तो था, और क्या करना है? और ये आपको ये भेजना है सॉल्यूशन, और क्या करना है? लास्ट मंडे का 18 मई का लेक्चर भी, अब मंडे का लेक्चर। ठीक है तीन चीज, और सर वो डेडलाइन भी एक्सटेंड करनी है असाइनमेंट 5 की, असाइनमेंट 3 4 की। एक मिनट में लिख लूं ताकि मुझे याद ना रहे। डेट तो 29th है, एक्सटेंड कितना करने को कह रहे हैं आप असाइनमेंट 5 की? नहीं सर, कहने का मतलब ये कि उस पे थ्रेशोल्ड लगा हुआ था ना, तो अभी हम उस पे अपलोड नहीं कर सकते अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन। असाइनमेंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं? असाइनमेंट 5 की और असाइनमेंट 3 4 की। सर संडे तक कर दें उसको? जी संडे तक कर दें। सर वो आपने कहा था कि आप 28 तक एक्सटेंड कर देंगे डेडलाइन असाइनमेंट नंबर 5 की, तो 29 तक कर दी थी मैंने, ये तो बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं अटेंड नहीं कर पा रहे, LMS पे शो नहीं हो रहा था। LMS पे शो नहीं, पे शो नहीं हो रहा था ना। अच्छा चलिए मैं देख लेता हूं उसको, मैंने 29 कर दी थी। 31st तक कर दे सर, अब डिस्काउंट मिल रहा है। एक आदमी कह रहा है एक दिन, हर आदमी एक दिन कह रहा है, चलिए इसको 31st। नंबर 2 क्या था? आपको एक्सेल शीट नहीं है आपकी? हां जी सर। और लेक्चर नहीं है मंडे वाला? 18 मई का। कौन सा वाला? 18th में। 18th में ठीक है, असाइनमेंट हो गया, एक्सेल शीट हो गई, लेटर लेक्चर नहीं है, और क्या चीज है? और कोई चीज है? 34 चीज। और ये जो और जो अभी आपने वर्ड फाइल शेयर की हुई है ये भी अपलोड करनी है। फाइव का सलूशन ठीक है, ये चार चीजें हो गई, ये मैं कर देता हूँ थोड़ी देर। जी सर ठीक है। अब देखिए हातिम अपना हाथ नीचे कर लेंगे, या सवाल है तो सवाल कर लेंगे। हातिम ठीक है, चलिए मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ आप लोगों से। चलिए ये अब दिख रही है आपको स्क्रीन, और अब आपको आवाज भी आ रही है। ठीक है दिख रही है अब जी। हाँ तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। ये पार्शियल सॉल्यूशन है, पार्शियल का मतलब है सर ने कुछ हिंट्स दी भी है, ठीक है, जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, कंप्लीट सवाल के जवाब नहीं है। पहला सवाल ये है कि जब आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो ये आपसे सवाल है, अब इसका आप जवाब ढूंढेंगे। जवाब ढूंढने के लिए आप लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, जो ऐसे आपकी एग्जाम की तैयारी हो रही है तो आप ये लिखेंगे। तो दो ही तरीके हैं, वाटरफॉल है या एजाइल है। तो जो वाटरफॉल लिखेगा वो तकरीबन इससे मिलता जुलता होगा, या जो भी वेबसाइट बनाते हैं उनको मालूम है ये करते होंगे, ठीक है, तो वो आप तरीका लिख लेंगे। इसमें जो कुछ आपने बताया जी सर, SDLC तो वाटरफॉल और एजाइल के अलावा भी बहुत सारी है, जो आपको पसंद है जो आप इस्तेमाल करेंगे वही तो लिखना है, यही तो है ना, पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे ना। नीचे लिखा हुआ था देखिए, सवाल पढ़ी है, टू डेवलप अ प्रोफेशनल वेबसाइट व्हाट स्टेप वुड यू टेक, ये सवाल खत्म हो गया। उसके बाद वाई भी लिखा हुआ है, तो आपको ठीक है सर टेक्नोलॉजी लिखेंगे, उसका भी जवाब लिखेंगे कि मैंने ये क्यों इस्तेमाल किया।
ठीक है भाई, आई समझ? ठीक है सर। हाँ तो यहाँ हुआ ये था कि जब मैंने आपको दिखाया था तो आपने बताना शुरू किया था, फिर आपने कहा कि जनाब ये होगा, ठीक है, कुछ चीजें सही थी कुछ चीजें नहीं थी, तो टीम डिजाइन होगा, वेब डेवलपमेंट होगी, ये तो हिंट है, ये मैंने सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। तो जो कुछ आपने बताया था मैंने लिखा था और मैंने आपको दे दिया, इसको जरा पढ़ेंगे, SDLC को पढ़ेंगे, लेक्चर्स को दोबारा से पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे, और ये मैं मेथडोलॉजी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी लिखेंगे। ये असाइनमेंट है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जवाब सही है कि जनाब बहुत सारी मेथडोलॉजी होती है, तो जो भी मेथडोलॉजी आप लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी और इसका आप रीजन देंगे कि मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही तो सीखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भाई। फिर हमने ये पढ़ा था स्पेशलाइज रोल होते हैं, तो यहाँ पर वेबसाइट बनानी है तो कौन से रोल है, यही है ना क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट नंबर 5 और 6। प्रोजेक्ट मुख्तलिफ है, सवाल सेम है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है लेस रिस्की, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ कुछ चीजें मिस हो गई थी आप लोगों से, एक मार्केटिंग आदमी होता है जो सॉफ्टवेयर हाउस में होता है ना, जो वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स ले रहा होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, वो ओनर होता है। फिर ग्राफिक डिजाइनर और वेब डेवलपर तो बाद में आते हैं ना, ये डेवलपमेंट टीम होती है, एक मार्केटिंग टीम होती है जो वेबसाइट पे इधर उधर से प्रोजेक्ट ले रहा होता है, या फ्रीलांस है या ईलांस से ले रहा होता है, ठीक है। या तो आप बोलेंगे वो रोल एक ही है वो, ठीक है, मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनर वाला रोल एक ही है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आदमी सेपरेट होंगे, ठीक है, या तीनों एक ही आदमी है और रोल अलग अलग है, कभी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता हूँ, कभी मैं वेब डेवलपर बन जाता हूँ, कभी मैं ग्राफिक डिजाइनर होता हूँ। तो आपको अलग अलग करके लिखना होगा, दीज आर द स्पेशलाइज्ड रोल, ठीक है। तो ये लिख देंगे, उसके बाद फिर आप कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे वेबसाइट बनाने में और ये सारा। तो मैं कस्टमर हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कितने पैसे लगेंगे, क्या टाइम होगा, क्या करोगे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप प्रोफेशनली मुझे कन्विंस करेंगे, जवाब देंगे मेथडोलॉजी क्या होगी, कौन से टूल यूज करोगे, क्यों करोगे, कितने पैसे लोगे, आखिरी सवाल है कितने पैसे और कितना वक्त लगाओगे, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। तो आप अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी से आ रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे कि जी जनाब 2 महीने लगेंगे, तो मैं पूछूंगा 2 महीने क्यों लगेंगे, तो फिर आप बताएंगे जनाब एस्टिमेशन ऐसे होती है, फिर हम ये करेंगे, फिर इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर आप कॉस्टिंग बताएंगे, 60,000 ले रहे हैं या 1,00,000 ले रहे हैं या 2,00,000 ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, तो आप बताएंगे जी इसमें इतना काम है, इसमें ये सब चीजें करनी है, ठीक है। तो ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आप चाहें तो उसको कर सके, ठीक है। तो इसको यहाँ कोई सवाल है तो फिर पूछ लीजिए, वरना फिर हम असाइनमेंट नंबर 6 पे चले जाएं। यही सवाल आते हैं, प्रोजेक्ट मुख्तलिफ है, क्लियर है ये चीज भाई लोग, क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक, यस सर, ठीक। चलिए असाइनमेंट नंबर 6 है, प्रोजेक्ट मुख्तलिफ हो गया, सवाल वही है, ठीक है, सवाल वही है, कोई बिल्कुल सवाल आते हैं, लेकिन अब प्रोजेक्ट बड़ा, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखा था ना कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट किसी और तरह से होगा, कोई और मेथडोलॉजी होगी, और स्मॉल प्रोजेक्ट जो है वो किसी और तरह से होगा। तो ये कस्टमाइज डेवलपमेंट करनी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है अभी बैंक के लिए, अभी कस्टमर कोई सा भी है, अब इसमें ये चीजें आपने बनानी है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें व्हाट स्टेप्स, अब यहाँ सवाल ये, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, अब वो आप बताएंगे कि मैं ये वाला पहला स्टेप लूंगा, दूसरा स्टेप ये लूंगा, तीसरा स्टेप कौन सा लूंगा एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा आप एज ए सिविल इंजीनियर घर बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप बताएंगे सर पहला स्टेप ये लूंगा, दूसरा स्टेप ये लूंगा, तीसरा स्टेप ये लूंगा, और ये सब करने के बाद आपका घर बन जाएगा। तो वही स्टेप्स मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, अगर आपको जो तरीका पसंद है वो आप लिख देंगे कि मैं डेवऑप्स लिखना, तो मैं पूछूंगा भाई डेवऑप्स क्या होती है, फिर वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप रीजन लिख देंगे, मैंने तो पढ़ाई नहीं है, मैंने तो एजाइल पढ़ाई है और मैंने वाटरफॉल पढ़ाई है, क्योंकि उसी को अगर आप, ठीक है, तो जो भी तरीका आपने लिखना है। फिर उसके बाद आप रोल बताएंगे, ठीक है, तो रोल कौन कौन से होते हैं, फ्रंट एंड कौन सा होगा, तो मैं इसको जरा क्लोज कर देता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन निकाल लेता हूँ ताकि आपको बता दूं कि भाई क्या करना है।
ठीक है, अब ये देखिए ये सोल्यूशन है, एक्चुअली मैं इसका नाम चेंज करना भूल गया हूँ, ये सोल्यूशन है ठीक है। तो व्हाट स्टेप्स, तो जी मैं ये आपने बताया था वाटरफॉल है, रिक्वायरमेंट लूंगा, डिजाइन करूंगा, कोडिंग करूंगा, टेस्टिंग करूंगा, रिलीज करूंगा ठीक है। अब रिक्वायरमेंट कैसे लूंगा, अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, रिक्वायरमेंट एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, ये जो रेड कलर में एक मॉड्यूल है ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये, यू कैन सी दैट ठीक है। तो ये एक मॉड्यूल है, चार मॉड्यूल थे, तो एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, मीटिंग होगी, एनालिसिस एंड मॉडलिंग होगी, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, फिर पर्सनल की मीटिंग्स होंगी, एनालिसिस होगी और रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बन जाएगा, फिर चार डॉक्यूमेंट बनेंगे, उसके बाद फिर इसका आर्किटेक्ट बनाया जाएगा ठीक है। अब आर्किटेक्ट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा आर्किटेक्ट क्या होता है और डेटाबेस डिजाइन क्या चीज होती है, किसी को फर्क पता है तो मुझे बता दे, ये पढ़ा था ना हमने, जनाब कोई बताएगा क्या चीज होती है, नहीं पता, चलिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें ये स्टेप्स पता है कि रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग होती है, लेकिन हमें डिजाइन का आइडिया नहीं है। तो थोड़ा सा नोट पैक कॉपी पेंसिल लिख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। डिजाइन एक तो होती है डेटाबेस की डिजाइन, जिससे हम वाकिफ हैं ठीक है, एक स्क्रीन है उसमें नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये स्क्रीन में एक फील्ड होगी जो जाके डेटाबेस में स्टोर होगी ठीक है। तो स्टोर जो होगी वो डेटाबेस की डिजाइन के मुताबिक होगी, वो 40 कैरेक्टर होगा नाम, या 200 कैरेक्टर होगा या क्या होगा, तो डेटाबेस की फील्ड होगी, तो डेटाबेस की डिजाइन होगी, तो जहाँ के जाके डेटा स्टोर होगा, एडिट होगा या डिलीट होगा, तो ये तो डेटाबेस डिजाइन हो गई, फ्रंट एंड सेंटर होगी और तीन ऑपरेशन होंगे जाके स्टोर होगी। लेकिन एप्लीकेशन कहाँ होगी, कैसे एक्सेस होगी, ये एक सवाल है। तो एप्लीकेशन का आर्किटेक्ट क्लाइंट सर्वर होता है, क्लाइंट का मतलब है हम DHS सुफा यूनिवर्सिटी में एक मशीन पड़ी हुई है जिसको हम सर्वर कहते हैं, और वहाँ पर उसकी डेटाबेस और एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, और मैं अपने लैपटॉप से विद इन यूनिवर्सिटी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, बस ये क्लाइंट सर्वर हो गया है, यूनिवर्सिटी से बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकती है, तो दैट इज डिफरेंट कनेक्टिविटी। लेकिन ये है कि जनाब सर्वर के ऊपर एक VPN कनेक्ट है, उस कनेक्ट करने के बाद फिर मैं घर से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, दैट इज नॉट ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन बट दैट कैन बी कनेक्टेड टू VPN, तो ये एक डिफरेंट मेथडोलॉजी हो गई। एक कनेक्टिविटी होगी जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको कहीं क्लाउड पे या होस्टिंग पे डाल दिया, जो कहीं से भी एक्सेस हो सकती है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट जो है वो वेब बेस्ड होगी कि ब्राउजर से खुल जाए या किसी तरह से खुल जाए ठीक है। तो ये आर्किटेक्ट है कि किस तरह से होगा। तो एप्लीकेशन जब बनती है तो एक एप्लीकेशन है ना व्हाट्सएप, तो मैं आपको मोबाइल से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकता हूँ और कहीं से भी दुनिया में एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये डिफरेंट आर्किटेक्ट है। लेकिन कुछ आर्किटेक्ट ऐसा होगा कि जो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा आपको, कहीं स्टोर होगा वहीं से एक्सेस होगा, तो ये आर्किटेक्ट है ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर मेथडोलॉजी पूछी गई है, तो कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि किसी ने कहा था कि सर शायद टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, कि सर गलती होगी दोबारा से चेक होगी, तो जरा पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। टेस्टिंग को जरा गौर से पढ़ी, मैं उसको समझाता हूँ। ये टेस्टिंग हमने पढ़ी थी, हम यहाँ एक्चुअली दोबारा से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो हमसे गलती हो रही है। टेस्ट लाइफ साइकिल पढ़ाया था मैंने, कोड कर दिया आपने तो फिर आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे, उसको चलाएंगे, पास और फेल करेंगे, पास होगा तो बाहर जाएगा, पास नहीं होगा तो वो दोबारा से कस्टमर आपके पास जाएगा, डीबग होगा, डेवलपर उसको डीबग करेगा, रीटेस्ट होगा और पास होगा तो वो रिलीज पे जाएगा। रिलीज का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ठीक है, रिलीज बाय SQL। तो जो SDLC हमने पढ़ी थी उसकी डिटेल है, एक्चुअल लाइफ साइकिल है कोडिंग, अब ये बहुत लंबा लाइफ साइकिल है। पॉलिसीज मेंशन करे हैं, ये देख पढ़ लीजिए उसको और से, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग कन्वेंशन, ये सब डलेगा।
फिर सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करना है, रोजाना करना है या 3 दिन बाद करना है या वीक में करना है, अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई तो क्या होगा। अब ये कंपनी पॉलिसी है, करेगा तो वो प्रोग्रामिंग कोडिंग ही कर रहा है लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसीज को अप्लाई करेगा, यूएसबी नहीं लगा सकता पीसी के अंदर, सर वो हमारी पीसी लग नहीं रही है, तो हाँ पीसी डिसेबल की भी है सर, वो तो मैं फलानी जगह से लेकर आया हूँ, वो आप नहीं लगा सकता। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है, सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं यूएसबी नहीं लग सकते, किसी को मालूम है Why these policies are implemented in any software house या technology department? आपके ख्याल में ये क्यों होती है? Sir, security issue की वजह से। हाँ security है लेकिन सबसे बड़ा issue है virus। 100 लोग हैं, एक virus निकल गया तो महीनों का काम जाया हो जाएगा। Sir, virus protection? जी? Sir, वही virus protection के लिए कि मतलब कोई हमारा project रखा हुआ हो और वायरस की वजह से वो डैमेज हो जाता है। वायरस एक अलग चीज है, सिक्योरिटी एक अलग चीज है। सिक्योरिटी है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ 3 महीने से, ये यहाँ से कहीं अपलोड ना हो जाए किसी वेंडर को। और से सुनिए, मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, आपकी टीम लीड हूँ और किसी और ने मुझे जॉब ऑफर कर दी है दुगने पैसों पर और कहे जो सॉफ्टवेयर बनाया ना ये भी साथ ले आना आपने, तो दुगने पैसे में तनख्वाह तो जा रहा हूँ लेकिन सॉफ्टवेयर यहाँ से मैं ले जा सकता हूँ यहाँ से कॉपी करके? नहीं सर। चाहिए मुझे जी, कोई जवाब देगा मुझे? नहीं सर, ऐसा होता नहीं सकता। वो ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है। एक छोटी सी कंपनी खुली है और आपको अपलोड कर सकते हैं ना। अब यही सारी चीजें रोकनी है, यही सारी चीजें कंपनी का एसेट है ना। 2 साल में काम करके सॉफ्टवेयर बनाया, आपने ठग से अपलोड कर दिया, यूएसबी पे ले गए, इसी को सिक्योरिटी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस से बाहर नहीं जाना चाहिए, दैट इज सिक्योरिटी। आप समझ रहे हैं, सिक्योरिटी मेरा सॉफ्टवेयर सिक्योर हो, दूसरा है वायरस खराब ना हो जाए, इस पे कोई वायरस ना आ जाए, ये अलग अलग चीजें। तो इसलिए बैकअप लिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आप ऑफिस में आते हैं तो यूएसबी नहीं ला सकते, आपकी जो पोर्ट हैं सारी डिसेबल होती हैं और मेल जो है वो आप याहू और फलाना नहीं यूज कर सकते, आप ऑफिशियल ईमेल एड्रेस का यूज कर सकते हैं जिसपे स्निफर लगा होता है। स्निफर का मतलब है वो चेक कर रहा होता है कि आप क्या भेज रहे हैं, ठीक है? तो आप बड़ी फाइल भेज ही नहीं सकते हैं और बहरहाल स्निफर लगा होता है, यानी हमें मालूम होता है कि आपकी फाइल कहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि वो जाती काम नहीं है ना आपका, आप यूँ समझिए। इसमें आपको अफेंड होने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ पॉलिसी, यही तो बता रहा हूँ कि दिस इज अ पॉलिसी। डेवलपमेंट टीम की जो पॉलिसी है वो ये है कि जनाब हमारा सॉफ्टवेयर जो 2 साल में इतने करोड़ रुपए लगा के हमने किया है कहीं बाहर ना चला जाए, ठीक है? तो ये अब मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस चला के आया हूँ, मुझे तो मालूम है ना कि यूएसबी में इंस्टॉल किया उसने बड़ी सी और लेके चलता हुआ ना, 6 महीने की मेहनत आपकी चली गई बाहर, कितने में, थोड़े से पैसों में जो आपने मेहनत की थी। तो सारे लोग बुरे नहीं है लेकिन सारे लोग अच्छे भी नहीं है, तो आपको अपनी पॉलिसी, पुलिस इसलिए होती है ना, पुलिस अच्छे लोगों के लिए नहीं होती है, पुलिस बुरे लोगों के लिए, ठीक है? तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, मेल प्रैक्टिसेस हैं आपके, मतलब बहुत है यहाँ पर कराची में। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाना ही छोड़ दिया, अब हम ओपन हाउस ओपन सॉफ्टवेयर। बहरहाल खैर, तो अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें मालूम हो कि अब करेंगे क्या, ठीक है? तो वायरस प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, तो वो कैसे करेंगे ज़रा सोचेंगे और लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो जितना आपको पता होना चाहिए वो आप यहाँ लिखेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। टेस्टिंग पे सवाल आए थे जो कि मुझे लग रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सॉफ्टवेयर देने के बाद भी एरर आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, लेकिन जो SRS में लिखा हुआ है वो बगैर पास हुए नहीं जा सकता, ये कंट्रोल होता है टेस्टिंग का। अब इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा है, ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन या SQA के कोर्स में हम पढ़ेंगे, अगर पढ़ा आपने मेरे से या किसी से भी, या इतनी डिटेल में। हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक अलग कोर्स है, वो मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत डिटेल कोर्स है, वो मैंने नहीं पढ़ाया आपको। टेस्टिंग का थोड़ा सा बताया, या हम अभी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट थोड़ी सी पढ़ाई थी, कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट में नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है। अब ये वही है, रिलीज बनाते हैं आप और अपलोड करते हैं, या कहीं GitHub पे, या कोई आपकी अपनी वेबसाइट होती है, या कोई अपना
डेवलपमेंट का यूआरएल होता है जहां आप जाके लगा रहे होते हैं, फिर आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, फिर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि 100 आदमी बना रहे हैं, रोजाना बना रहे हैं, तो जाने से पहले कहाँ लोड करेंगे, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो 3-10 लोग हैं इनकी टीम का सॉफ्टवेयर कैसे इंटीग्रेट होगा, फिर वो बाकी चीजों से कैसे इंटीग्रेट होगा। अभी जहन में आना चाहिए ना कि अगर 100 लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं 3 महीने से, तो बाकी सारे काम इंटीग्रेट कैसे होंगे, तो वो कहाँ रखे जाएंगे और वो कैसे रखे जाएंगे और फिर उसमें टेस्टिंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है ना आपको। ऐसे आप खाली टेक्नीशियन थोड़ी है कि डेटाबेस डिजाइन करनी आती है, सारा कुछ है, तो यू आर पार्ट ऑफ द बिग टीम, ठीक है। उसके बाद रोल कौन से होंगे, रोल एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल है या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का रोल है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का है, डेवलपर का है, टेस्ट इंजीनियर है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लीजिए, सर ये क्या चीज़ होती है। थ्योरी तो पढ़ी थी ना उस वक्त, इतना शायद इंटरेस्ट से नहीं पढ़ी थी, अब इंटरेस्ट इसलिए है कि ये तो बताना है, जवाब देना है कि अगर बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो कैसे कर रहे होंगे। फिर थोड़ा सा ये सोचिएगा कि कौन से टूल्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पीएचपी में बनाऊंगा और पोस्टग्रेस में, मैं पोस्टग्रेस में मैं डेटाबेस बनाऊंगा, या मैं माइक्रोसॉफ्ट के टूल यूज करूंगा, एसक्यूएल यूज करूंगा और .NET यूज करूंगा। अब ये सारी चीजें आप पर हैं, तो तब आप उस सिचुएशन में आ जाएंगे कि हमने बनाना है तो कैसे बनाना है, कौन से टूल यूज करूंगा, फिर ये बनाने में कितना टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल पढ़ेंगे और करेंगे, फिर सर आपको सिखाएंगे कि भाई ये टाइम कैसे लगता है। अब मैं आपका कस्टमर हूँ और आप, फॉर एग्जांपल मैं बैंक में हूँ और आपसे एचआर का सिस्टम बनाना चाहता हूँ, अब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि जनाब आप कौन सी तरीका है, एसडीएलसी कौन सा यूज़ करेंगे, या मेथडोलॉजी पूछी जाती है आपकी, मेथडोलॉजी कौन सी है, फिर आप कितने अरसे में और कितना टाइम लगाएंगे और कितने पैसे में बनाएंगे, तो मैं कहता हूँ जी मैं 10 लाख रुपए लूंगा और कम से कम 6 महीने लगाऊंगा या 4 महीने लगाऊंगा, तो वो 4 महीने में कैसे कैलकुलेट किए, कितनी बड़ी टीम होगी, रिक्वायरमेंट कौन लेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो शायद आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें कोई सवाल कोई चीज, अब यही सारा तो हमने एक सेमेस्टर में पढ़ा है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट भी लेते हैं, प्रोसेस भी अच्छे होने चाहिए और टेस्टिंग कैसे करेंगे, सिवाय इसके कि प्रोग्रामिंग का कोर्स कहीं और पढ़ा था हमने, डेटाबेस का कहीं कोर्स कोई और पढ़ा था, उसको यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी लोग मुझे मेल भेज दें, मैं उनको फटाफट मेल भेज दूंगा, बाकी जो 4-5 चीजें आपने कही है मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लास का वक्त खत्म हो गया, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम खुदा हाफिज कर लेते हैं नमाज। सर एक ग्रुप का बंदा भेज दे या फिर जो है वो इंडिविजुअली सब हर कोई अलग अलग भेजे मेल जिसको नहीं रिसीव हुई? 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग करके भेजने, इसमें तो सर ने कहा था ग्रुप में भेज दें, अब ये अलग अलग भेजने, ये अलग अलग भेजने, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है ये मिड टर्म का रिप्लेसमेंट है, अल्लाह के बंदे इसमें आपको अलग अलग नंबर देने, ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसे नंबर देने, आई समझ सर। वो आपको डीएसयू की मेल से हम लोग मेल करें या अपनी जो पर्सनल मेल होती है उससे मेल करें? जिस जहां से आपका दिल चाहता है वहां से करते हैं, बस याहू पे करते हैं ताकि मुझे पता चल जाए, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, अपना सेक्शन लिखेंगे, ताकि मुझे समझ में आ जाए आप कौन है, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि मेरे 80-90 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे खाली नाम से या से पता नहीं चलता ना आपके नंबर से, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कौन बच्चा है, कौन सी क्लास का है, तो अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, ताकि मुझे मालूम हो कि आप 5B के स्टूडेंट हैं या 7 सेमेस्टर के, 7A के, 7B के स्टूडेंट हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। तो चार वाले जो 1, 2, 3, 4 हैं वो मैंने ग्रुप में कहा था वो ग्रुप में कर लें, लेकिन ये वाला जो है ये आपका मिड टर्म का रिप्लेसमेंट है, इसको अच्छी तरह से करना है, सीरियसली करना है। ये 30 नंबर है, 5-15 नंबर का असाइनमेंट नंबर 5 है, 15 नंबर का असाइनमेंट नंबर 6 है, 30 नंबर का, इसको सीरियसली कीजिए। सर ने सोल्यूशन इसलिए किया है कि आपको हिंट मिल जाए, आपको परेशानी ना हो, आपको मालूम हो करना कैसे है, लेकिन आपने करना है इसको,
मेहनत करके करना है, एक दूसरे से पूछ लें, नहीं तो मेरे से पूछ लें, मैं तो टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है ना आपने, मैंने तो सिखाना है आपने, लेकिन इसकी इवैल्यूएशन होगी ना, कौन बच्चा एवरेज है, कौन अबव एवरेज है और कौन मेहनत नहीं कर रहा है, तो ये इवैल्यूएशन तो करनी है हमने, ठीक है ना? ठीक है जी सर, चलिए ठीक है, चलिए कोई और सवाल नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज कर लें।